नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में आप जानेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, क्रांति का घटनाक्रम क्या था और क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं क्रांति के कारणों से। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण जो ना वो था वहां का सामाजिक भेदभाव। तीन स्टेट्स में भेदभाव का स्तर यह था कि पूरा समाज तीन वर्गों में विभाजित हो गया था, जिन्हें उस समय तीन स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। और वो तीन स्टेट्स थे, पहला स्टेट्स जिनमें पादरी वर्ग था, दूसरा स्टेट कुलीन वर्गों का था और तीसरे स्टेट में आते थे साधारण लोग। साधारण लोगों में चाहे वो बड़े व्यवसायी हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, किसान हों, मजदूर हों या बेरोजगार लोग, तीन के तीनों मतलब लगभग सभी तीसरे स्टेट में आया करते थे। भेदभाव का स्तर यह था कि पहले दो के दोनों स्टेट करों से वंचित थे, इन दोनों को कर नहीं देना पड़ता था, इनको कर में छूट थी। ये राज्य को दिए जाने वाले कर नहीं देते थे, सारे कर का बोझ तीसरे स्टेट पर था। लगभग 90% किसान थे, लेकिन उन 90% में से बहुत कम लोगों के पास खुद की जमीन थी, जो अपनी जमीन के मालिक हुआ करते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन वर्ग का कब्जा था, लगभग 60% जमीन इनके पास हुआ करती थी। पादरी वर्ग के पास एक विशेषाधिकार था कि वे धार्मिक कर टाइद के नाम से वसूलते थे साधारण जनता से। साधारण जनता दिया करती थी टाइद, TITHE, टाइद उस समय धार्मिक कर हुआ करता था जो चर्च वसूला करता था, और सरकार जो कर वसूलती थी जनता से वह था टाइल, TILLE। इस तरह से सारे कर का बोझ जनता पर आकर टूट पड़ा था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग इससे वंचित था और लगातार नीचे की जनता का शोषण किया जाता रहता था। इन्हीं तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच मात्र 20 वर्ष की उम्र में 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उसके शासन में फ्रांस पर लगभग 12 अरब लिब्रे वहां की तत्कालीन मुद्रा थी, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया 1794 में। लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज सरकार पर आ चुका था। कर्ज देने वाले लगभग 10% से अधिक का भी ब्याज मांगने लगे थे सरकार से, जो सरकार के लिए देना मुश्किल था, क्योंकि उस समय सरकार अपने रोजमर्रा के खर्च, साधारण खर्च भी नहीं वहन कर पा रही थी। फिर से एक बार कर बढ़ाया गया, कर का बोझ आया सीधे साधारण जनता पर। इससे साधारण जनता में और भी असंतोष पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे माहौल और बिगड़ने लगा, जब कभी सूखा पड़ जाता या कभी अकाल पड़ जाता। इसमें समस्या हो जाती कि जो किसान वर्ग था, जो उत्पादन किया करता था, वो भी कुछ नहीं कर पाता था, वो असहाय हो जाता था और महंगाई फिर से बढ़ जाया करती थी। महंगाई तो बढ़ जाती थी, पर जो मजदूर कारखानों में काम किया करते थे, बड़े लोगों के यहाँ काम किया करते थे, उनकी तनख्वाह, उनका वेतन वही मालिक निर्धारित किया करते थे, और वो महंगाई का ध्यान नहीं देते थे कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, जिससे उनके बीच में असंतोष और भी बढ़ता चला गया। और इस असंतोष को चिंगारी दी तात्कालिक विचारकों ने, जो उस समय पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग सामने आ रहा था, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है रूसो का। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, और इसके सामान्य इच्छा का सिद्धांत यह था कि कानून जनता के अनुसार बनना चाहिए, लोगों के अनुसार, न कि राजा के अनुसार। रूसो कहता था कि कानून जनता के अनुसार, जनता की इच्छा से बनना चाहिए, न कि किसी एक राजा की इच्छा से। और रूसो के विचारों से लोग इतना प्रभावित थे कि आखिरकार नेपोलियन ने कहा था कि अगर रूसो ना होता
तो फ्रांस में क्रांति ही ना होती। नेपोलियन ने कहा, रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। इन्होंने लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया और स्वयं के अधिकारों के लिए लड़ने को प्रेरित किया। धीरे धीरे साधारण लोगों में भी, जो पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि इसमें अमीर से लेकर गरीब लोग तक थे साधारण लोगों में, और उनमें से कुछ वकील थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, तो जो उनमें पढ़े लिखे लोग थे उनके बीच विचार की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो शासन को समझने लगे थे और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को जगाने का काम किया, उनमें पुनर्जागरण की एक भावना डाली और फिर सरकार के विरुद्ध, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए एक भूमिका तैयार की। ये थे फ्रांस की क्रांति के कारण और अब शुरू होती है क्रांति। फ्रांस में जब भी कोई नया कर लगाया जाना होता था तो राजा अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, उसे उसके लिए स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। उसमें वह निर्णय लिए जाते थे कि कर लगाना ठीक है या नहीं, और स्टेट्स जनरल की मीटिंग कहां बुलानी है और कब बुलानी है इसका निर्णय राजा ही किया करता था। तो 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की मीटिंग लुई 16वें ने बुलाई। उसमें तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। ऊपर के दोनों स्टेट्स, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग से 300 प्रतिनिधिमंडल और 600 प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के उपस्थित हुए। वहां पहुंचने के बाद, जैसा कि वहां पहले नियम था कि एक एक मत हर स्टेट से पड़ा करता था, पर इस बार तीसरे स्टेट ने मांग की कि प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत देने का अधिकार हो, अर्थात हर सदस्य एक मत देगा, जिसे राजा ने खारिज कर दिया। और इस बात पर तीसरे स्टेट ने इस मीटिंग का विरोध कर दिया और वो वहां से निकल गए। उसके बाद उन्होंने वर्साय के टेनिस कोर्ट में मीटिंग की 20 जून 1789 को तीसरे स्टेट ने 20 जून 1789 को वर्साय के टेनिस कोर्ट में मीटिंग की और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि अब वह किसी और के निर्णयों को नहीं मानेंगे, खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली का गठन होने के बाद, जहां एक तरफ नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, वहीं मौसम की मार ने एक बार फिर से फसलों को नष्ट कर दिया था, और जिससे जनता में भारी असंतोष व्याप्त हो गया क्योंकि कर फिर से बढ़ाए जाने लगे थे। तो 14 जुलाई को जनता ने बास्तील के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और बास्तील के किले को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद जगह जगह अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने खबरें फैलाई कि लुटेरों को बुलाया गया है जो फसलों को नष्ट कर देने आ रहे हैं, सामान्य जनता को परेशान करने आ रहे हैं, जिससे जनता में जगह जगह विद्रोह उत्पन्न हो गया और आखिरकार लुई 16वां को यह मानना पड़ा कि नेशनल असेंबली को स्वीकृति दे दी जाए, और उसने नेशनल असेंबली को स्वीकृति दे दी। फिर 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान लगभग बनाकर तैयार कर लिया था। संविधान उनका 1791 में तैयार हो गया था और अब सरकार को चुनने के लिए वोटिंग पद्धति शुरू हो चुकी थी। वोटिंग पद्धति में निर्वाचक जनता एक निर्वाचक मंडल का चयन करती थी जो नेशनल असेंबली की का चयन किया करते थे, जो नेशनल असेंबली के लिए वोट किया करते थे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वहां चुनाव हुआ करता था। अब देखते हैं क्रांति के परिणामों की ओर। नेशनल असेंबली के संविधान पर फ्रांस के राजा लुई 16वां ने उस समय हस्ताक्षर तो कर दिए थे, पर वह गुपचुप प्रशा के राजा से वार्ता करता रहता था, और इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेते, इससे पहले ही 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा व ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध की घोषणा के बाद पूरे देश से स्वयंसेवी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे, वो सेना में भर्ती होने के लिए आतुर थे, और उन्होंने पहली बार पेरिस रवाना होते समय जो गीत गाया उसे कहा गया मार्सिले।
और यही मार्सिले वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रगान है। सामान्य जनता के बीच भी अनेक प्रकार की सुगबुगाहट रहती थी। एक तो युद्ध से नुकसान बहुत हो रहे थे, समस्याएं बहुत सी थी और सामान्य जनता का इसमें इंटरेस्ट इसलिए और बढ़ रहा था, और सामान्य लोगों में, साधारण लोगों में अनेक दल और समुदाय बन गए थे राजनीतिक चर्चा के लिए, राजनीतिक विषयों पर काम करने के लिए, जिनमें जैकोबिन क्लब तेजी से उभर रहा था। जैकोबिन क्लब, इसमें अत्यंत साधारणतया लोग जैसे मजदूर वर्ग, साधारण किसान वर्ग और नीचे का तबका, इसमें बहुत अमीर लोग शामिल नहीं थे, वह था। और जैकोबिन क्लब ने आगे चलकर इसकी कमान संभाल ली। जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने 1792 की गर्मियों में खाद्यान्नों की महंगाई, खाद्यान्नों की कमी और महंगाई से परेशान होकर के 10 अगस्त को ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया। वे हिंसक हो चुके थे और वहां पहुंचकर उन्होंने राजा के रक्षकों की हत्या कर दी, राजा को और राजशाही परिवार को बंधक बना लिया। उसके बाद एक नए नियम, नए संविधान की शुरुआत हुई, जिसमें मतदान जो था वो पहले 25 वर्ष जो था उसकी उम्र घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से अधिक के सभी वयस्क मतदान कर सकते थे और नई जो असेंबली का निर्माण हुआ उसे कन्वेंशन कहा जाता था, नेशनल असेंबली के बदले कन्वेंशन असेंबली का नाम पड़ा। उसके बाद राजा को बंधक बना लिया गया था, जिस पर न्यायाधीश ने देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। लुई 16वें को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लुई 16वां फांसी की सजा उसे मिली थी देशद्रोह के मामले में। तो ये थे क्रांति के परिणाम। इसके बाद ही धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त हुआ नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का। तो ये थी फ्रांस की क्रांति, कारण, पूरी क्रांति का प्रक्रिया और परिणाम। आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।